महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार अपने आप को राम भक्त कहती है श्री राम प्रेमी कहती है हिंदूवादी बताती है उसका काम इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपसे क्या कहें मुंबई के आजाद मैदान में दो बहुत पुरानी रामलीला होती है एक साहित्य कला मंच द्वारा एक श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल द्वारा केवल अपनी राजनीतिक रैली कर सकूं आजाद मैदान पर दशहरा के दिन इसके लिए महाराष्ट्र रामलीला मंडल को कहा गया कि एक दिन पहले रावण दहन का आयोजन करिए और साहित्य कला मंच के रावण दहन के आयोजन को तो बकायदा शिफ्ट करा दिया गया दूसरे मैदान पर क्यों भाई श्री राम भगवान के कार्य में विघ्न क्यों आपको आपकी रैली करनी है मुंबई में बहुत सारे ग्राउंड हैं आप पहले बुक कर लेते कोई मनाई नहीं है लेकिन बरसों पुरानी परंपरा को आप तोड़ने जा रहे हैं न तो यह नियम के साथ माना जाएगा और न तो इस शास्त्र के साथ माना जाएगा और इसका परिणाम इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा अहंकार की हमेशा हार हुई है असत्य हमेशा पराजित हुआ है अधर्म का समूल नाश हुआ है क्यों आप सरकार के मुख्यमंत्री हैं आपके पास बहुत विकल्प हैं लेकिन राम भगवान के भक्तों पर इतना बड़ा अत्याचार क्यों क्यों उनके रामलीला के अंतिम दिन का रावण दहन के आयोजन के कार्यक्रम को कहीं रद्द किया जा रहा है कहीं शिफ्ट किया जा रहा है कहीं एक दिन पहले करवाया जा रहा है केवल इसलिए कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें और उसके बाद आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े राम भक्त हैं श्री राम भगवान की जय बोलते हैं कोई अधिकार नहीं है आपको यह कहने का दुर्भाग्यपूर्ण है